इस दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। कुछ बहुत विशालकाय होते हैं तो कुछ बहुत जहरीले। खैर, सांपों का आकार जो भी हो, मगर सबकी दहशत बराबर ही होती है। सिर्फ आकार या जहर के आधार पर किसी एक सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप नहीं कहा जा सकता। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप चुनने के लिए हमें इनके बीच फाइट करवानी होगी। तो आइए, आज के वीडियो में हम रिंग में उतारते हैं तीन खतरनाक सांपों को। पहला है दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक, ब्लैक मांबा। दूसरा है आज की दुनिया का सबसे बड़ा सांप, एनाकोंडा। और तीसरा है प्राचीन दुनिया का सबसे विशालकाय और खूंखार सांप, टाइटैनोबोआ। आइए देखते हैं आज किसके सिर पर दुनिया का सबसे खतरनाक सांप होने का ताज सजेगा। ब्लैक मांबा। पहले बात करते हैं ब्लैक मांबा की। ये सांप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 8 फीट से लेकर 14 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं। हालांकि इनका नाम तो ब्लैक मांबा है, मगर इनका रंग ब्लैक नहीं होता। ये ज्यादातर ग्रे कलर में पाए जाते हैं। दरअसल इनके मुंह के अंदर का हिस्सा काला होता है, इसी वजह से इन्हें ये नाम मिला। अफ्रीका के जंगलों में बेताज बादशाह इस सांप से सामना होने पर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वजह है इन सांपों का जहर। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माने जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सांपों का जहर इतना मारक होता है कि ये केवल आधे घंटे में एक वयस्क आदमी की जान ले सकते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल किस्म के जीव होते हैं, जिन्हें छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब इन्हें भूख लगती है या किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो यूँ समझिए कि ये काल का दूसरा रूप हो जाते हैं। ये अपने शरीर का करीब एक तिहाई हिस्सा हवा में उठा लेते हैं और अपने शिकार या दुश्मन पर इस कदर टूटते हैं कि उसकी आत्मा को शरीर से अलग करके ही दम लेते हैं। इस दौरान वो सामने वाले को लगातार काटते ही जाते हैं और करीब 400 ml तक जहर उसके बदन में भर देते हैं। इसी बात से आप इनके गुस्सैल नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि एशिया में पाए जाने वाले किंग कोबरा से इनकी तुलना होती है। ये दोनों बहुत जहरीले और चालाक शिकारी है, अगर फिर भी कई मायनों में दोनों सांप एक दूसरे से अलग है। साथ ही ये सांप बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं। जमीन पर तेजी से रेंगना हो या पानी में स्पीड से तैरना, अपने शिकार के पीछे पड़ना हो या किसी शिकार से बचकर निकलना हो, हर जगह इनकी फुर्ती देखते ही बनती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जमीन पर रेंगते वक्त इनकी स्पीड करीब 25 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच जाती है। एक तो फुर्तीला, फिर गुस्सा भी जल्दी आता है, ऊपर से भयानक जहरीला भी। इस सांप के आतंक से तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं। एनाकोंडा। अब बात करते हैं इस भीमकाय अजगर की। जहां एशिया और अफ्रीका में पाथन नाम के अजगर का राज है, वहीं एनाकोंडा साउथ और सेंट्रल अमेरिका में फैले अमेज़न जंगलों की सत्ता संभालते हैं। ये सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करते हैं। यही वजह है कि ये इतनी बड़ी साइज के होते हैं। हालांकि बोआ फैमिली के सांपों में जहर नहीं पाया जाता। एनाकोंडा की एवरेज साइज होती है करीब 15 से 20 फीट के बीच में, यानी एवरेज एनाकोंडा भी सबसे लंबे ब्लैक मांबा से लंबे होते हैं। वही अगर एनाकोंडा की हाईएस्ट लंबाई की बात करें तो ये करीब 33 फीट तक भी बड़े हो सकते हैं। ये जानकर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि इनका वजन करीब 400 किलोग्राम तक हो सकता है। ये सांप नहीं राक्षस है, राक्षस। अपने भीमकाय शरीर की वजह से ये जमीन पर चलना फिरना ज्यादा पसंद नहीं करते। ये या तो विशालकाय पेड़ों की शाखाओं पर लिपटे रहते हैं और शिकार के आने का इंतजार करते हैं, या फिर पानी या दलदल में पड़े रहते हैं। एक तो इन्हें यहाँ छुपने में आसानी होती है और फिर पानी की विस्कोसिटी इनको मूव करने में मदद भी करती है, इसलिए यहाँ इन्हें शिकार को पकड़ने में आसानी होती है। हम कह सकते हैं कि अमेज़न नदी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब जरा इनकी हंटिंग स्किल्स पर बात कर लेते हैं। इनके पास जहर तो होता नहीं, ऐसे में इनका विशालकाय शरीर ही इनके काम आता है। ये सांप पानी में या पेड़ पौधे के बीच खुद को छिपा लेते हैं और जैसे ही कोई शिकार इनकी रेंज में आता है उसे ये अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अपने ताकतवर जबड़े और पिछले दांतों के सहारे ये शिकारी को पकड़ते हैं और फिर उसके चारों तरफ लिपटकर उसे बुरी तरह दबा देते हैं। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शिकार की हड्डियां तक टूट जाती है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और दिल भी काम करना बंद कर देता है। दम फूलने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। जैसे ही शिकार टैं बोलता है, ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे पूरा निकल जाते हैं और फिर किसी सुरक्षित जगह को खोजकर वहाँ आराम से पसर जाते हैं। सुरक्षित जगह इनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें अपना खाना पचाने में हफ्तों लग जाते हैं। सचमुच ये बहुत ही घातक शिकारी होते हैं और कोई बेवकूफ ही होगा जो लड़ने के लिए इस सांप को चुनौती देगा। टाइटैनोबोआ। अब बात करते हैं धरती पर आज तक हुए सबसे विशालकाय सांप के बारे में। नाम है टाइटैनोबोआ।
खैर ये अभी तो इस धरती पर नहीं पाए जाते, मगर आज से करीब 6,50,00,000 साल पहले इस धरती पर इन्हीं दानवों का राज था। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों में टाइटानोबोआ के फॉसिल्स पाए गए थे। इन फॉसिल्स के आधार पर ही इन सांपों की साइज का अंदाजा लगाया गया। ये सांप साइज में करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे और इनकी चौड़ाई हुआ करती थी लगभग 3 फीट। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1100 किलोग्राम भारी हुआ करते थे। इतना बड़ा सांप इमेजिन करना भी मुश्किल है। जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि टाइटानोबोआ बोआ फैमिली से बिलोंग करते थे, इस आधार पर कहा जा सकता है कि टाइटानोबोआ आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज थे। दोनों सांपों में इसके अलावा भी कई समानताएं हैं, जैसे कि एनाकोंडा की ही तरह टाइटानोबोआ भी ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते थे। कारण वही सेम, चलने फिरने में आसानी और शिकार पकड़ने में सुविधा। इनका शिकार का अंदाज भी बिल्कुल एनाकोंडा की ही तरह था। जहर इनके पास भी नहीं होता था, ये भी अपने शिकार को कुंडली में जकड़कर मार देते थे और फिर साबुत ही निगल जाते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां एनाकोंडा के शिकार की लिस्ट में लार्ज रोडेंट्स, डियर, फिश, पेक्यूरीज, कैपीबारास, टैपिड्स, टर्टल्स, बर्ड्स और केमेन जैसे एक्वेटिक रेप्टाइल्स जैसे आते हैं, वहीं टाइटानोबोआ अपने बड़े आकार और ज्यादा भूख होने की वजह से अक्सर बड़े साइज के जानवरों को शिकार बनाते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और उस समय के बड़े बड़े मगरमच्छ इनके शिकार में शामिल होते थे। इसके अलावा इनकी स्किन भी बहुत मोटी और मजबूत होती थी, जिसमें छेद कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यानी भले आपके पास कितने ही मजबूत और नुकीले दांत या पंजे क्यों ना हो, अगर आप एक बार इनके चंगुल में फंस गए तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। यही वजह है कि उस समय इनसे खतरनाक प्रेडेटर कोई नहीं था। When these three fight, पहले ब्लैक मांबा का सामना एनाकोंडा से करवाते हैं। हालांकि ये दोनों आज के समय में पाए जाते हैं, मगर फिर भी रियल मैन की फाइट होने की चांसेस ना के बराबर ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। फिर भी यदि ये आपस में भिड़ते हैं तो ब्लैक मांबा के पास अपनी फुर्ती और जहर का एडवांटेज होगा। अगर ब्लैक मांबा एनाकोंडा को काट कर उसके चंगुल में फंसे बगैर तेजी से वहां से निकल लिया तो फिर वो जीत जाएगा और एनाकोंडा की हार होगी। मगर यदि ब्लैक मांबा एनाकोंडा की कुंडली में फंस गया तो फिर उसका जहर भी उसे नहीं बचा पाएगा। इससे पहले कि जहर असर करे और एनाकोंडा की जान जाए, वो ब्लैक मांबा का काम तमाम कर चुका होगा। यानी इस लड़ाई में दोनों ही मारे जाएंगे। मगर यदि एनाकोंडा ने ब्लैक मांबा को इस तरह फंसाया कि वो अपने जहर का इस्तेमाल ही ना कर पाए तो फिर एनाकोंडा की जीत पक्की है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अपनी फुर्ती के दम पर ब्लैक मांबा एनाकोंडा को काट कर भाग सकता है। खैर ब्लैक मांबा कभी भी शिकार के इरादे से आगे रहकर एनाकोंडा से लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने मोटे सांप को निगल ही नहीं सकता। इसलिए एनाकोंडा के पास बचने का एक ही चांस है कि वो बेवजह ब्लैक मांबा को छोड़े ना। वही अगर एनाकोंडा और टाइटानोबोआ की बात करें तो एनाकोंडा के पास ऐसी कोई खास काबिलियत नहीं है जिसके दम पर वो टाइटानोबोआ को हरा सके। टाइटानोबोआ अपने विशालकाय शरीर और बेशुमार ताकत के दम पर एनाकोंडा को मसल कर रख देगा। एनाकोंडा दोनों से हार गया, यानी हम एनाकोंडा को रिंग से आउट कर सकते हैं। अब बचते हैं ब्लैक मांबा और टाइटानोबोआ। ब्लैक मांबा की सबसे बड़ी ताकत है जहर, मगर वो अपने जहर का इस्तेमाल टाइटानोबोआ पर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने दांतों को टाइटानोबोआ की स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साइज के मामले में भी ब्लैक मांबा टाइटानोबोआ के सामने दूध पीता बच्चा है। ब्लैक मांबा का तो कोई चांस ही नहीं बनता टाइटानोबोआ से जीतने का। इस तरह हम टाइटानोबोआ को दुनिया का सबसे खतरनाक सांप घोषित कर सकते हैं। खैर ये तो हुई हमारी बात। आपको क्या लगता है कि इन तीन खतरनाक सांपों की भिड़ंत में किसकी जीत होगी और कौन मुंह काला करवा कर जाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जिसे भी सपोर्ट कर रहे हैं उसके पीछे के वाजिब कारण भी आप कमेंट के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।